हेलो एवरीवन, डॉली किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बचे हुए चावलों से परांठा कैसे बनाया जाता है ये दिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बचे हुए चावल बहुत अच्छे यूटिलाइज हो जाते हैं। इसे बनाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है बचे हुए चावलों से परांठा। बचे हुए चावलों का परांठा बनाने के लिए हमने लिया है ये आटा। आटा हमने ऐसे गूंथा है जैसे हम सिंपल रोटी का आटा गूंथते हैं। इसके अंदर हमने नमक नहीं डाला, थोड़ा सा ऑयल डालकर आटा गूंथ लिया है। आपने देखा है कि इसको गूंथते हुए 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट हमने इसको रख दिया था गूंथ के। और ये हमने एक छोटा प्याज काट लिया है बारीक बारीक। और ये हमारे पास चावल हैं जो बचे हुए हैं। हमारे पास चावल, ज्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं लेंगे हम, नॉर्मल बेसिक चीजें लेंगे। थोड़ा सा नमक लिया है क्योंकि हमने चावलों के अंदर नमक डाला हुआ था। एक हरी मिर्च है बारीक कटी, और ये थोड़ा सा हरा धनिया है, और ये तेल है बनाने के लिए। आप इसे देसी घी में भी बना सकते हैं, मक्खन में भी बना सकते हैं। फ्लेवर के लिए हमने लिया कसूरी मेथी, थोड़ा सा ये लाल मिर्च पाउडर डालेंगे इसको तीखा करने के लिए। ये अजवाइन लिया है हमने, अजवाइन डालने से चावल का परोंठा बहुत ज्यादा टेस्टी हो जाता है। और ये है आमचूर पाउडर, और ये हमने सूखा आटा लिया है परोंठा बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम चावलों को इस तरह से हाथ से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो इसे ग्राइंडर में डाल के भी मैश कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं वो करना, दरदरा टाइप हमने मैश करना है। पोटैटो मैशर से भी हम इसको मैश कर सकते हैं, बट मैं इसको हाथ से ही मैश कर रही हूँ। आप देख रहे हैं इस तरह से मैंने इसको मैश कर लिया है। बहुत ही टेस्टी परांठा बनता है चावल का। अक्सर चावल बच जाते हैं, सुबह नाश्ते के अंदर हम इसको बना कर यूज़ कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि चावलों को हमने मैश कर लिया है। इसके अंदर हम डालेंगे कटा प्याज, थोड़ा सा नमक, नमक हमने बिल्कुल कम लिया है क्योंकि चावल के अंदर नमक है, कटी हरी मिर्च, कटा हरा धनिया, ये हम लेंगे आमचूर पाउडर, ये भी हम थोड़ा सा लेंगे आधा चम्मच, क्योंकि कम है सामान, हमने सिर्फ 2 या 3 परोंठे बनाने हैं तो उसी हिसाब से हम डालेंगे। ये हमने थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है, आधा चम्मच से कम, और ये हम लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। हमने हरी मिर्च डाली है और हम लाल मिर्च पाउडर बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये हम कसूरी मेथी को क्रश करके डालेंगे, इससे जो है खुशबू बहुत अच्छी आती है। इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स करके एक मिक्सचर तैयार कर लेना है। ये हमने गैस ऑन कर दी है और तवे को हमने गैस पे रख लिया है। जब तक हमारा तवा गर्म होता है तब तक हमने इस तरह से एक लोई बना लेनी है। हमने ये एक पेड़ा बना लिया है, इसे हमने सूखे आटे के अंदर इस तरह से लगा लिया है। थोड़ा सा इसको हमने बेलना है, वो ज्यादा नहीं बेलना, थोड़ा सा बेल के हमने इसके अंदर चावल की जो स्टफिंग है वो फिल करनी है। आप देख रहे हैं कि हमने चावल की स्टफिंग इसके अंदर फिल कर दी है, और अब किनारे पकड़ते हुए हमने इसको इस तरह से जोड़ लेना है। ये हमारा चावल वाला पेड़ा तैयार है। अब इसको हम गोल आकार के अंदर बेल लेंगे। इसे हमने धीरे धीरे बेलना है, आराम से। ये हमारा परौंठा बनने के लिए तैयार है। इधर हमारा तवा गर्म हो चुका है, इसके ऊपर हमने थोड़ा सा इस तरह से घी लगा लेना है। फ्लेम हमने मीडियम कर दी है और इस तरह से हमने इसको फैला देना है। आप देख रहे हैं कि कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है, इट मीन्स हमारा परोंठा जो है नीचे से तैयार हो गया है। इसे हम इस तरह से पलट देते हैं। आप देख रहे हैं कि एक तरह से बहुत ही अच्छा परोंठा बनकर तैयार हुआ है। जब तक ये हमारा परोंठा तैयार होता है, हम दूसरा परोंठा बनाने के लिए तैयार कर लेते हैं। इस तरह से इसके ऊपर हम तेल लगा लेंगे और इसे हम एक बार दोबारा पलट देंगे। ये हमारा परोंठा बनकर तैयार है। आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा परोंठा तैयार हुआ है। इतने में हम अपना दूसरा परोंठा तवे पर डाल देते हैं बनने के लिए। ये हमारा दूसरा परोंठा भी बनकर तैयार है, इसे हम इस तरह से निकाल लेते हैं। ये हमारा चावल का गर्मा गर्म मजेदार परोंठा बनकर तैयार है। इसे हम इस तरह से सर्व करते हैं आम के अचार के साथ और आम का मुरब्बे के साथ। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है। आम का अचार भी घर में बनाया हुआ है और आम का मुरब्बा भी, दोनों की वीडियो मैंने पोस्ट कर रखी है, आप अपने डिस्क्रिप्शन बोर्ड में देख सकते हैं। दोनों ही वीडियो मैंने बना रखी है पहले और पोस्ट कर दी है। तो उम्मीद है आपको मेरा ये परोंठा बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा, आप इसे ट्राई जरूर करें।
अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।